कुल मालक शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गोद दे विच बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह अर्ज करदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज इस बहुत ही मंदभागे समय दे विच आपां इकट्ठे होए आं क्योंकि जो जो हालात साडे नाल पैदा होए जिवें जिवें समय ने करवट बदली उवें उवें लगातार आपां इस संघर्ष दे जुड़दे रहे लड़दे रहे। सुखराज मेरा वीर है, मैं इत्थे MLA बन के नहीं आया, सारयां नूं पता जदों तों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेदबी उदों तों लैके सरदार कृष्ण भगवान दे संस्कार टाइम और उस तों अगे साडे छोटे वीर दे जां सरावां दे तुहानूं पता ही है जेलां दे विच बंद सी साडे सारे साथी उन्हां नूं रिलीज करवाउण वास्ते ते तय होया सी कि जिन्ना चिर सारे जेलां दे विचों जां थाणे दे विचों साडे संघर्ष करन वाले बंदे रिहा नहीं कर दित्ते जांदे उन्हां चिर असीं संस्कार नहीं करांगे। पर शमशान घाट दे विच उत्थे आ के कोई साथियों मैं कोई नां नहीं लेना चाहुंदा क्योंकि आपां चाहुंदे नहीं कि कोई विवाद खड़ा होवे। संस्कार करन दी कोशिश कीती सी तां दास ने उत्थे एक गल कही सी कि असीं बचन करके चले आ उन्हां चिर वीर दे नूं संस्कार नहीं करन देंगे जिन्ना चिर साडियां बीबियां साडे वीर साडे जिहड़े साथी आ उह थाणिआं चों जां CIE चों जां रिहा नहीं हो जांदे। ते नाले गल कही सी कि जे किसी ते हिम्मत है संस्कार करन दी तां गुरदत्त सिंह हुंदा संस्कार नाल करना पऊगा, मैं नाल नचूंगा क्योंकि मैं बचन करके आया। हुण वी एक सिख दे होण दे नाते इत्थे आया सरकार नाल हले कोई गल नहीं करके आया कि मैं इत्थे तुहाडे बचन करके चलिआ। जिथे कौम बाबा जी अवतार सिंह होणी बैठे जाणदे आ जिथे किते महाराज की कृपा नाल जबान चों बचन निकल गया उस जबान तों कदे पिछे नहीं हटे। अज दी जिहड़ी लड़ाई आ साडी लड़ाई बेशक लखां सालां पुरानी है, अधर्म दे खिलाफ धर्म हमेशा लड़दा रहा और लड़दा रहूगा। पर अज साडी सरकार है असीं इह नहीं कह सकते कि असीं कर कुछ नहीं सकते। मैं हमेशा यह गल कहना हुंदा पिंडां च वी बोलदा रहा जे रब तों बाद किसे कोल कोई ताकत है तां सरकार कोल हुंदी है। जे किसे नूं सरकार इंसाफ नहीं दे सकती तां कोई भी दुनिया की जिहड़ी कोई ताकत इंसाफ नहीं दे सकती। सो इस वास्ते वीरो तुहाडा नवाना वीर आ सरकार नाल भी गल करांगे अज सद्दी हुई है टीम। मैं SSP नूं फोन करके आया कि मैं चले आया उत्थे बरगाड़ी मैं बहबल मोर्चे चले आया वो कहते जी असीं सारयां नूं सद रहे सब कुछ करांगे पर उन्हां ते असीं इह नहीं आ के कहने भी तुसीं मोर्चा खत्म कर दिओ सगों मोर्चे तुहाडे नाल खड़ांगे। जिस दिन बरगाड़ी कट सी जदों मैं आ रहा सी साथी बोल रहे सी कुछ क्योंकि साडे कोल लीडर की घाट है साडे कोल लीडर है नहीं गा कौम च कोई कमी नहीं। मैं उस दिन डिवाइडर से खड़ के निगाह मार के मैं अपने मन च सोच के कहा कि अज भी सिर देने वाले लखां लोग है पर सिर मंगण वाला है नहीं कोई सिर मंगण वाले है नहीं कौम को बथेरे सिर आ लखां लोग असीं उत्थे कट्ठे होए सी उत्थे कोल। सो इस वास्ते अज सानू यह भी नहीं सोचना चाहिए मैं भी गल कहना मैं हमेशा असी कई जिहड़े आ वो आपदे पिछोकड़ नूं असी होर ढंग नाल एक्सप्लेन करते रहे हां कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा कि पिता जी तुसीं आपदा सीस दिओ तुहाडे तों वड्डा महापुरख कौन हो सकदा। असल दे विच उहदा मतलब यह है कि जेकर तुसीं सोचदे हो कि सिर देण दी लोड़ है तां आपदे सिर तों शुरू करो। कौम दे वारसो जिते सिर देण दी लोड़ पई मैं यह नहीं कहिंदा उठो तुहाडे चों उहदे गुरदत्त सिखों सिर देऊगा आवाज मारियो सिर चाहीदा सिर देवांगे कोई गल नहीं। एक नमाणे बंदे नूं बड़ा माण बख्शिया काल पुरख वाहिगुरु ने कि मेरे वर्गा बंदा इहदा शुकराना नहीं करदा तां मेरे तों वड्डा किरत कण कोई नहीं सारे जाणदे आ तुसीं मेरा पिछोकड़।
नंगे पैरी स्कूल जाने वाले बच्चे एमएलए बनाता सरकार दी गड्डियां चढ़ाता कोई लोड़ नहीं उन्हें एमएलए शिप की। पर थोनू यह बेनती कर दें कि जिन्ना चिर लड़ांगे जिन्ना चिर इंसाफ दवाउण की लड़ाई लड़ते रहेंगे जिन्ना चिर सरकार ते फिर उदू बाद इत्थे सिर देवांगे तुहाडे जोर करके भी आओ यार हुण उत्थे नहीं बोलिया सरदा आ हुण चक्को सिर। इस वास्ते थोनू बेनती करते हैं क्योंकि गल शायद लगता वड्डी होगी पर नहीं साहेब हथ वड्याईया जिस भावे तिस दे निके जे बंदे नू पता नहीं किन्नी क वड्याई देती है हो सकता कौम का मसला हल करन दी वड्याई भी पातशाह सानू दे। सो इस वास्ते मैं फिर जिवें वीर ने कहा सी सारे कट्ठे रहो यार कुछ नहीं हुंदा जे गुरु वास्ते कट्ठे नहीं हो सकते किहदे लई कट्ठे होना लैके की जाणा है इत्थों किहड़ा बंदा की लै गया जे अज लोकां नू इह नहीं पता लगता वी रब वी हैगा बेशक बदलाव इलेक्शन च आया प्रकाश सिंह बादल हारिया इलेक्शन उस मां का पुत विधानसभा दी पौड़ियां चढ़ के जिहड़ी एक झाड़ू मारदी मां सी ते अज सानू रब सुल्ताना घाउ कराउंदा किराए दा पाणी कहिंदी है। इस वास्ते गुरु दी वड्याई लै दी जिहड़ा लै सकदा सिद्धू साहब दा मैं खिडारी होण करके बहुत फैन हां पर इत्थे आपां सच ते इमानदारी नाल लड़दीए आपके गुरु की खतर लड़गे गुरु आशीर्वाद भी देगा ये नहीं पिछे नहीं हटन दिता जो विश्वास करके तुरदा उन्होंने पिछे नहीं मुड़ दिता बहुत ताकत है जो दुनिया ने इन्हें इतों तक बचाया तो सानू क्यों ना बचाऊगा जो बाप गाला कटने वाले पुत भी सब कुछ दे दिता है तो जरा उपमा करता जरा सेवा करता उन्होंने क्यों ना कुछ देगा सब कुछ देगा। सो इस वास्ते अज असि इतने एकत्रित हो इस एज ए सिख आए हाँ सरकार वालों भी कितने जो मौका मिलेगा पर जिहड़ी गल थोड़े नाल करके जावांगे ये नहीं कि फिर आके कह देंगे जी नहीं साडी किसी ने मन्नी नहीं जा आर ते जा पार जा उन्हां नाल खड़ांगे जा थोड़े नाल खड़ांगे लड़ाई लड़न वास्ते सन विचारा नहीं चलता लकीर खिच के लड़ना पैंदा जा कुछ पाउना पैंदा ते जा गुवाउना पैंदा पर जे गुरु की खातर कुछ गुवाना भी पैजे कोई कोई वड्डा सौदा नहीं कौम इतिहास लिख दिंदी है। रात नाटक देख के आया सी भगत सिंह दा मैं उहदी मां दी इक गल कर रही सी डायलॉग उहदी मां कहिंदी जुग जुग जीवे पुत मैं तड़के उठ के सोचिया मैं कहा वाकई तेरी मां ने तैनूं मरिया शहीद तो तू 23 साल की उम्र से होया सी ते ज्यों जुग जुग रहा जुग जुग ज्यौंदा रहेगा। सो इस वास्ते साडे साथियों ने कृष्ण भगवान होने ने जिहड़ी कुरबानी की है वह अजाई नहीं जाऊगी उहदा भी मुल पऊगा। और मैं तुहानू एक होर गल करदा कई बारी हो सकता है सारी कौम इकट्ठी ना हुंदी किसी विद्वान ने इत्थे बोलदिया कहा सी उह सिखो हुण तां इकट्ठे हो जाओ हुण तां गुरु ने भी कुरबानी दी बहुत कुरबानियां असीं दित्तियां पर साडे गुरु ने कुरबानी दित्ती हुण तां इकट्ठे हो जाईए। सो इस वास्ते गुरु वास्ते इकट्ठे हो जाईए छड्ड के यार कुछ नहीं होणा इलेक्शन तो हले 5-7 साल आने पर मैं थोनों विश्वास दोना असी इन्ना टाइम सरकार लोगों इंसाफ तो वांझे नहीं रहन दे क्योंकि जरूरी है कि साडे देश की तरक्की तां होगी जे असी लोगों इंसाफ देवांगे जे धरने मुजाहरियां दे विच देश लग्गा रहा तां फिर देश की तरक्की किवें होगी। सो मैं सारयां दा धन्नवाद करदा जिहड़े इत्थे आए आ और मैं इत्थों कोई निमाणे बंदे तों कोई पद घट बोलिया गवे उहदे लई माफ़ी चाहुंदा और थोड़े नाल वादा करदा जिहड़ी तुहाडे नाल जबान सांझी करके जाऊंगा उत्थे फुल चढ़ाऊंगा ते उहदे लई किन्नी भी कुरबानी क्यों ना करे तुहाडे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। वाहिगुरू जी का